So hello guys, it's me Shadab. Welcome back to another fan picking testicle vlog. Welcome back. हो गया आपका यार इस नंबर ब्लॉक देख तो सीन यू है यार के भी हमारा प्लान बन रहा है इस्लामाबाद जाने का. आप कहने होंगे कितना वेला चवल इंसान है, फिर रहा है. चल मैं हम तो इतना नहीं फिरता होता यार, मैं बैठ रहता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ इस लैपटॉप से, थोड़े चवल पापा के पास बैठ रहता हूँ. राजा जी तो गन वेखी नहीं है मेरी फिर छड़े वाली. तो अभी सीन यू है कि इस्लामाबाद जाने का प्लान बने, बस अचानक ही अचानक से यार मुझे एक बात याद आ गई. अच्छा बल अभी यार सीन है कि मैं कपड़े सी करके आया हूँ यार, मेरे जैसा चवल और आलसी इंसान कपड़े सी करके आया. क्या बात है बल यार, कपड़े पहनते हैं अपने यार, ये कपड़े हैं मेरे, देख में अजीब लग रहे होंगे लेकिन यार कुछ नहीं यार, बस पैंट शर्ट पहनने का दिल कर रहा था और शर्ट कोई अच्छी पड़ी नहीं थी, ये ठीक है पहनते हैं यार इसको. तो भाई मैं तैयार हो चुका हूँ, चेक करने मुझे भी फिट फिट लग रही है ना, मुझे जो है ना वो एक दो सेकंड में ख़राब होती है, छोटी है ना अभी किनारे जो है उतने बड़े नहीं है तो वो ताव देने नहीं होता, मेरे यही कहते हैं ना उसको. अच्छा बड़ा अभी हम चलते हैं यार जी, चाचू का वेट है, चाचू के साथ मैं जाना है, फैमिली के साथ नहीं है, मैं और चाचू जा रहे हैं आज बाहर, तो चलते हैं. वैसे मेरे बड़े 10 टूर हो गए ना, एक दो हो गया टूर वो अपनी फैमिली के साथ हो गया, पापा मामा और बहन भाइयों के साथ, दूसरा टूर हो गया अपने पुपी साथ जो भाई हैं उनके साथ टूर हो गया कल वाला, तो और आज का जो है वो चाचू के साथ हो जाएगा. आला भी आला क्या बात होगी, छत पे जाता हूँ आपको पौधे से दिखाता हूँ और इतने देर टाइम भी हो जाएगा चाचू के आने का, चलेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद घूमते हैं. इस्लामाबाद में उन्होंने जाना था, कोई अपनी नातों के लड़की को वीडियो बनाई थी तो उनकी वीडियो भी बनाएंगे और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा, चलते हैं जाए. तो भाई छत में आ चुका हूँ, देखिए भाई धूप है और धूप में सिर्फ शॉर्ट्स अच्छी आ जाती होती है माशाल्लाह से, ये अम्ब्रेलास बहुत प्यार लग रहा है माशाल्लाह, अल्लाह की तरह बड़ा शुक्रिया इतने प्यारे पौधे दिखाए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह. पीछे ये जो थी अपना मॉर्निंग ग्लोरी, इसकी मेहनत भी कामयाब हो गई, देखिए ऊपर भी लगी हुई है. तो अभी ये जो है ना ये वाली मॉर्निंग ग्लोरी, इसलिए फल देना है इसके वाइट फूल होने चाहिए मेरा ख्याल है, हाँ इसके वाइट फूल होने चाहिए, बड़े खूबसूरत फूल होते हैं ये, परमानेंट वैरायटीज़ में से भी तो दो परमानेंट ला चुके हैं, इतना मुझे खुशी है ना, दिल से मुझे खुशी है इसकी. अभी ये है कि मैं इधर बैठा हुआ था, चाची कॉल आ गया, वो कह रहे गली में आओ तो आगे चलते हैं, तो आए बस चलते हैं उधर और बाहर चल के अब आप सुनते हैं. तो भाई लोहे दंदी में हम आ चुके हैं, हमारा प्रोग्राम लोहे दंदी का था, अच्छा मुझे पता नहीं था जगह का नाम, आपको देखने में गाँव लग रहा होगा, मैंने आपको इस्लामाबाद बोला था, मैं भी हैरान हूँ इस बात से, आप नहीं सिर्फ हैरान, गांव जैसा इलाका है ये मोमपड़ वाला मेरे से कुट खाएगा मुझे, आप इतने बेगैरत हो. और ये देखें गांव है पीछे, और ये हम बरीमाम से ना थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये इलाका है यहाँ पर, तो ये लोहे दंदी जो है यहाँ पर एक पहाड़ है, हमने उससे ऊपर जाना है, आई थिंक दो स्टेयर्स वी हैव टू क्लाइम दोस, ये वाली जो है तो चलते हैं. चाचू यहाँ पर अपना लिखवा रहे हैं, ये चाचू हैं मेरे हाफिज शकील साहब, तो ये अपना वो नंबर वगैरह दे रहे हैं बाइक का, ये माइल जो है ना ये हमारा, ये क्या कहते हैं उसको, उसका मुझे नाम भूल गया, क्या नाम है उसका, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल, बाइक को जो है बाइक होता है पता नहीं उसका नाम मुझे भूल गया. तो ये हमारी हैवी राइड है, इस पर हम आए आगे बढ़ते हैं, अब आगे जो है सीढ़ियाँ वगैरह उनसे ऊपर जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे लिए भी नई चीज़ थी कि इस्लामाबाद में गाँव. चाचू क्या नाम है इस इलाके का, लोहे दंदी, लोहे दंदी इस इलाके से ऊपर ऊपर नीचे मुझे पता नहीं था ऐसा लगा, ऊपर आ जाते हैं जरा. तो अभी सीढ़ियों भी हम चढ़ चुके हैं, देखें बड़ी प्यारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पुराने स्टाइल की. क्यों जैन कैसे हो, ठीक हो, हाँ तो तुम्हें घर छोड़ के आए थे, तुम ऊपर कैसे पहुँच गए, चाचू जैन भी आया हुआ देखो वो पीछे जैन आया हुआ, जैन की याद ही हमें सताएगी, माशाल्लाह बड़ी फिट सीढ़ियाँ पुराने स्टाइल की, ये सीढ़ियाँ पुरानी हैं, ये सीढ़ियाँ भी नहीं बनी हैं. आप कितने साल पहले आए थे यहाँ पर? मैं आया था जी तकरीबन कोई आखिरी मरतबा तो 5-6 साल पहले आया हूँ, उससे पहले तो पुत्र 20 साल पहले की बात है. बुजुर्ग पीपल, बुजुर्ग लोग बड़ा इस बार चाचू के लिए बड़ा नया था, चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं यहाँ पर, ये सीढ़ियाँ वगैरह और रोड्स बने हैं, बाइक पे ऊपर आना बड़ा आसान हो गया. अच्छा हल्का हल्का मरी वाली लुक आनी शुरू हुई है, ये जो स्टॉल वगैरह चलते हैं अभी ऊपर जाके आपसे मिलते हैं. तो भी ये अभी कोई 5 मिनट हुए चलते चलते और चाचू की इन्हें ला हो चुकी है, ये वैसे सही बात है, हम आमतौर पर इतना चलते नहीं होते. ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा. ये जगह चाचू ज़हमत टाइम के लोगों की पहाड़ियों की जगह है ये, चले तू ये भाई साहब आ गए, ये पता नहीं पीछे से बहुत पीछे से जा रहे थे, है बहुत प्यारी जगह भाई, देखिए पहाड़ वगैरह पीछे,
लेट मी कैच माय ब्रेथ, मिलते हैं। तो भाई हमने अपनी ब्रेथ कैच कर ली है, हम आगे की तरफ बढ़े हैं और लग गए साफ है चढ़ गए। तेरा माशाल्लाह बड़े प्यारे पहाड़ हैं ऊपर, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं होता हूँ स्पेशली इन दिनों। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने जो है वेट गेन किया है, बहुत सा निकला है। जी आने हैं आप, चलते हैं फिर भी हिम्मत बांध कर ऊपर, तो हम लास्ट में आएंगे इंशाल्लाह। तो भाई ब्रेक नंबर 2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। क्या बात है सर, चाचू को भी शदीद सांस चढ़ गया है लिटरली, बहुत सख्त ही स्टेयर्स हैं यहाँ पर, स्टेयर्स ही होनी चाहिए थी। देयर शुड हैव बीन नो स्टेयर्स हियर, इसकी जगह पर एक सीधा सीधा रास्ता होता वो बेहतर होता है। अभी सांस बहुत चढ़ गया, मुझे अपने घर जाना है, सांस बहुत चढ़ गया। आई कांट इवन स्पीक इजीली, लेट मी कैच माय ब्रेथ। ओके, तो भाई दोबारा से हमने 11 नंबर बस को किक मार दी है और चलना शुरू हो गए हम दोबारा से ऊपर। ये दो सीढ़ियों के बाद फिर से साथ चढ़ गए, चलते हैं जी ऊपर। चाचू वैसे आपके हिसाब से कितने एक रास्ता रह गया होगा, या अभी शुरुआत है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, गया। ब्रेक नंबर 3 हम पास रुके हैं बकरों के पास। यार तुम लोग नहीं थकते हो वैसे? नहीं पूरा पूरा दिन पहाड़ों के ऊपर में, कोई थोड़ा बहुत नहीं थकते हो हैं? कोई थकन छकन नहीं महसूस होती तुमको? तू ला सो, थकन नहीं महसूस होती? उनका दर्द दिल जाग गया, वो भागना शुरू हो गया। नहीं उनको मैं खाना दे रहे हैं भाई, वो देखिए माशाल्लाह कितना प्यार लग रहा है सामने। तो अभी तीसरी बार भी हम चल गए थे और माशाल्लाह हमें कोई यहाँ पे मिल गए हैं देसी म्यूज़िक। बड़ी सरकार सुन रहे हैं, नीचे थोड़ी देर रेस्ट की थी, लेकिन यहाँ पर हमें दरबार नज़र आना शुरू हो गया जहाँ पर हमने जाना है हमारा मेन पॉइंट, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से होके हमें जाना है। माशाल्लाह है बड़ा प्यारा, यहाँ पे खड़ा हो चाचू की वीडियो ज़रा बनाते हैं। तो चौथी ब्रेक के बाद हम यहाँ पीछे बैठे हुए थे, तो चौथी ब्रेक के बाद हम दोबारा से चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह सामने दरबार है और बड़े से बड़ा होता जा रहा है, चलते हैं ऊपर। तो भाई पाँचवीं ब्रेक के बाद हम अपना चल चुके हैं दोबारा से, अब तो बिल्कुल ये सामने मीनार नज़र आ रहा है, गुंबद नज़र आ रही है। थक चुके हैं लेकिन हमें थकन का फ़ायदा हो रहा है। माशाल्लाह अपना बंदा पर आ चुके हैं, चलते हैं जी आए सामने, माशाल्लाह आ चुके हैं। तो भी आ चुके हैं हम लोग दंदी शरीफ में, यहाँ पीर साहब ने अपना चला काटा था। व्हाट अ सेक्रेड प्लेस, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर आ गई ना आपको एक अजीब सी स्पिरिचुअलिस्टिक, मतलब मुझे वह वर्ड नहीं आ रहा, एक अजीब सी आपको एक फीलिंग आती है यहाँ पर। माशाल्लाह और बकरा था मैंने देखा नहीं, चाचू भी यहाँ पर हैरान हो रहे हैं, कुछ अरसे बाद आए हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है, व्हाट अ प्लेस। जिस तरह मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, बाहुबली मेरे माइंड में आ रहा है इसे देख देख कर। नीचे शिवालयपन मस्जिद है, उसी की यह गुंबद है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं वो अच्छी जगह। ये जनाब हमारे साथ आए थे और हमारे साथ वापस भी जाने वाले हैं, देखते हैं आगे। यार दुआ करनी है, करते हैं दुआ पर जाकर, देखते हैं हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ये पीछे जो जगह है यहाँ पर 12 साल इमाम सरकार ने नमाज अदा की थी। तो अभी ऊपर से हम वापस आ गए थे, आगे ज़्यादा आगे हम गए, यहाँ पर लंगर की जगह है, हम यहाँ पर बैठे हैं।
बैठे हुए अपनी वीडियो बना रहे हैं। लंगर कर लेते हैं, लंगर का इंतजार कर। तो भी ऊपर हमारा फोटो शूट चल रहा है, चाचू की फोटोज वगैरह ले रहे हैं हम दो गुम्बदों के बीच में। माशाल्लाह बड़ी प्यारी यार जगह है माशाल्लाह। और ये बड़ी नायाब सी ना हमें मुर्गी भी आने लगाई है। अच्छा मुझे लगे वो काली वाली मुर्गी है चाचू की, मैंने बात देखी है कि गर्दन भी इसकी थोड़ी ना चेंज है। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ तेरी कुदरत देखे ना जरा। और माशाल्लाह आज बच्चे भी हैं इनके साथ पीछे देखें, तो ये मुर्गा भी है, पप्पा भी इनके। पप्पा इनके गुस्सा ना कर जाए तो हम ना ज़्यादा उंगली नहीं करते इनके साथ। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया अभी ऊपर, थोड़ा सा हम और इन्जॉय कर लें फिर चलते हैं। ऊपर नहीं जा सकते अब, देखें कितना ऊपर है हम, ऊपर तो ऊपर इस्लामाबाद देखें कितना पीछे रह गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ऊपर हम आए हैं। हम तो आए हैं यहाँ पर, पीर साहब ने यहाँ पर 12 साल का कह रहे थे ना, वो 12 साल यहाँ पर आए थे नमाज पढ़ते थे। बहुत टाइम उन्होंने यहाँ पर चिल्ला काटा पीर साहब ने। पैट्रियाटिक भी है यहाँ पर, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी लगाया है। माशाल्लाह देखें कितने ना ऊपर हम आए हो, कितना ज़्यादा हम ऊपर आए हो, चेक करें यार। माशाल्लाह माशाल्लाह हाइकर्स और लोग दीदार करने के लिए ऊपर आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। माशाल्लाह इतनी आवाम है, तो आई एम नॉट शोइंग दैट के पाकिस्तान पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो भी है ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी लोग आ रहे हैं इतना ऊपर। तो भाई अब वीडियो वगैरह भी काफ़ी सारा बन गई है, तो अब नीचे चलते हैं, अब वापसी का टाइम है। तो वापसी के टाइम तो रात दुख सा महसूस होता ही है, तो चलते हैं आइए। भाई बाज़ार से भी हम गुजर रहे हैं, अब वापसी का बकायदा सफ़र हमारा शुरू हो गया। वापसी आपको पता है पहाड़ से ज़रा आसान होती है नस्बतन ऊपर चढ़ने के, एवं इतनी कोई आसान नहीं होती लेकिन नस्बतन यू नो कितनी भी कोई आसानी होती है लेकिन नस्बतन ऊपर चढ़ने की आसान होती है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है अब, माशाल्लाह माशाल्लाह से। भाई अभी हम जब निकल रहे हैं ना, अभी मतलब बंदर देखें भाई, बंदर देखें भाई, हमने कहा जहन आया हुआ है, यहाँ तो मलाइका भी आई हुई है। तो अलबत्ता मैं आपको बता रहा था कि हम जब निकल रहे ना तो टाइम हो रहा था 4:30। चाचू कहते हैं पुत्र 4:30 तक हम नीचे होने, चढ़ने वक्त तो मेरे को 1.5 घंटा लगे ऊपर, छोटा चला गया। एंड आई थॉट हेयर क्लाइंबिंग अप वुड हैव बीन डिफिकल्ट, नीचे आना भी बहुत मुश्किल है। अभी मैं इसकी यहाँ पाँव स्लिप हो रहा है, देखिए स्लिप हुआ उसका सा। अल वर कैन आई से अबाउट दैट, चलते हैं नीचे। माशाल्लाह देखिए पहाड़ ही पहाड़ पहाड़, वही पहाड़ से वापस आना लिटरली आसान है। देखें अभी हम इतना दूर माशाल्लाह आ चुके हैं, और नीचे चलते हैं आए ज़रा। माशाल्लाह व्यू बड़ा अच्छा है, देखें लुक हाउ स्टीप इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम हियर। और ऊपर जाना उतना ही औखा लगता है, नीचे जाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि आप घर के जो है ना इन्हें ला भी हो सकता। तो भाई बड़ा जल्दी हम इन कवालों के करीब आ गए, आज तो दिमाग का टाइम होता जा रहा है। शाम को ना ऊपर मैंने सुना कि होती है कवाली, तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। चाचू किस वक्त होती है यहाँ पे ऊपर, आप कह रहे थे कवाली भी होती है यहाँ पर, कोई फिल्म है रात को होती है? नहीं तो कवाली होती है वो धमाल टाइप, वो शुरू हो जाता है धमाल कवाली, मुझे नहीं पता। मैं तो कभी ऊपर गया, चाचू आते रहते थे पहले, आज से कोई ना ये कोई 15,000 साल पहले चाचू आते रहते थे यहाँ पर, अब का तो कोई नहीं पता चाचू। तो भाई नीचे आते थे, हमारा पहला स्टॉप आ चुका है हाफिज साहब जो है ना, हाफिज साहब कह रहे हैं कि अभी रुकते हैं थोड़ा सा। तो भाई 5 हो चुके हैं और हम पूरे आधे घंटे में नीचे आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से चाचू कैसा महसूस कर रहे हैं नीचे आकर? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा महसूस। हाफ एन आवर में हम नीचे आ गए, तकरीबन 1.5 घंटे में ऊपर चढ़े होंगे, घंटे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 1.5 घंटा, और हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में नीचे आए हैं, ऑलमोस्ट नहीं फुल हाफ एन आवर में हम नीचे आए हैं। चलते हैं बाइक पकड़ते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। तो भाई नीचे भी आ चुके हैं, बाइक निकालते हैं, अजान हो रही है तो भाई निकलते हैं, बाइक भी निकल गया हमारा, अजान भी हो चुकी है, निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। हम दोनों थक चुके हैं बिल्कुल, बैटरी खत्म हो चुकी है हमारी। अभी वापसी की तरफ हम बढ़ चुके हैं, रस्ते में एक कबाब का होटल आया था तो चाचू ने कहा खाते हैं अभी। नाइस, चाचू तो नहीं खाते, चाचू डाइट पर हैं, ही इज़ हैविंग हार्ट इशू,
एंड ही इज नाउ प्रीटी बिग गाय। कौन से कौन से? खमीर। खमीर थी। अबे साले तो आ रही हैं जी रोटियां हमारी, पेट करते हैं हमें बिल्कुल खत्म हो चुका है। खाना आ चुका है, मैंने शुरू भी कर दिया है, अब खत्म करके मिलता हूँ भाई। वो खाना भी मंचन कर लिया, अब घर चलते हैं, घर चल के आप समझते हैं। तो भाई घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी देर हो गई है कि मैं तो इजी हो चुका हूँ, अपनी चाय शाय पी चुका हूँ, हल्की फुल्की सी अपनी ना प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ, समझ रहे हो। तो बल्कि इस चैनल पर मैंने आज तक दिखाया नहीं, अल्लाह तआला से पूरी इस बात में हम डिटेल करेंगे, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी यार मैं थक टूट चुका हूँ बिल्कुल, आई कांट इवन स्पीक। मैं प्रैक्टिस कर रहा था काफ़ी दिनों बाद, मैंने ज़्यादा कर दिया, ओवर कर दिया थोड़ा सा। तो यार आज बहुत अच्छा दिन गुजरा, चाचू थैंक फॉर द टुडे, तो थैंक्स फॉर टुडे, बहुत मज़ा आया। और बाकी यार आपको मज़ा आया होगा, बताएं ऐसी जगह फिरना चुना आपको मज़ा आया या नहीं आया बताइए। तो इंशाल्लाह आगे भी हमें चला करेंगे, उम्मीद है कि आपके प्लान्स बनाए आगे के लिए भी ऐसे, अगर आपको अच्छा लगा तो इसी के साथ यार आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।